माई चैनल ट्वीट ऑफ टिया और मैं हूँ टिया। आज जो ये वीडियो होने वाला है, टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपना बैंग ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ। एक्चुअली जो मेरे एंगेजमेंट वीडियो है, एंगेजमेंट का फोटो जो मैंने वीडियो पे डाला है, उसके बाद से वहाँ पे जो बैंगल्स मैंने पहनी थी, तो उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गया था आपका बैंगल कलेक्शन दिखाओ। और उससे पहले मुझे ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि दोनों एक साथ दिखा दूँ, ज्वेलरी कलेक्शन मतलब इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड जो बैंगल्स है, चूड़िया है, वो सारा चीज़। फिर बैंगल का रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहा था, तो मैं सोचा कि अगर ज्वेलरी कलेक्शन मैं दिखा देती हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि हर लड़की के पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है। मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है, बट है, काफ़ी है मेरे पास। फिर मैं सोच रही थी कि बैंगल कलेक्शन अलग से दिखाया जाए एंड जो इयररिंग्स है वो अलग से दिखाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना बैंगल जो कलेक्शन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं, मेरे पास जितना सारा है वो सब मैं नहीं दिखा रही हूँ, और जो बहुत पुराना हो गया है वो भी मैं नहीं दिखा रही हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ, वही सब चीज़, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है मेरे पास, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा जो ब्रेसलेट्स है, ब्रेसलेट्स का कलेक्शन मेरे पास उतना ज़्यादा नहीं है, मैं 3-4 यहाँ पर दिखाऊँगी आप लोगों को, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ये थोड़ा पुराना है, बट ये मुझे अभी भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ दिखा शेयर कर रही हूँ। ये तो ये कुछ ऐसा है, अंदर से राउंड शेप है एंड बाहर से स्क्वायर शेप में है। ये दी लाए थे कोलकाता से, तो ये मुझे अच्छा लगता है। ये दोनों कलर में है, एक ग्रे कलर में है और एक इसको क्या बोलते हैं, कॉपर कलर में है। आप किसी भी आउटफिट के साथ पहनो तो अच्छा लगता है, साड़ी के साथ भी एक पहन सकते हो, या फिर कोई भी ड्रेस या फिर टॉप अगर पहनते हो तो आप ये पहन सकते हो, तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये मैंने खरीदा था, तो ये गोल्डन कलर में है, ये भी मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी उतना नहीं पहनती हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी फिर से मुझे मौका मिलेगा कोई ड्रेस के साथ पहनने के लिए तो मैं ज़रूर पहनूंगी। नेक्स्ट मैं कोशिश करती हूँ जो भी इयररिंग्स, ज्वेलरी या फिर ब्रेसलेट्स आए तो उसका प्लास्टिक के साथ वो जैसे रैप होके आता है वैसे ही रैप करके रखूं। तो ये है, तो ये जो है पूरा स्टोन का डिटेलिंग दिया हुआ है यहाँ पे, और मैंने ये खरीदा है शायद दी के रिसेप्शन के दिन जो मैं गाउन पहनी थी, तो उसके साथ मैंने ये शायद खरीदा था। कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही कॉमन है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है। और इन सब का अगर प्राइस आप पूछोगे, सॉरी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये इतना छोटा छोटा चीज़ का प्राइस अभी याद नहीं है, जब मैं खरीद के लाती हूँ तब याद रहता है, उसके बाद ज्वेलरी का कुछ भी मुझे याद नहीं रहता है कि कितना होगा नहीं होगा, मतलब एक भनक तक मुझे याद नहीं है। उसके बाद जो लास्ट मैं आप लोगों को मेरा ब्रेसलेट्स कलेक्शन दिखा रही हूँ, उसमें ये है लास्ट। ये बहुत 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 अच्छा है, बहुत गॉर्जियस है, मुझे बहुत पसंद है ये, और किसी के आउटफिट के साथ भी ये जाता है, क्योंकि ये मल्टी कलर दिया हुआ है,
ये बहुत ही रिच लुक देता है। ये साड़ी के साथ भी पहना जा सकता है या फिर एक सूट्स के साथ भी पहना जा सकता है, एक गॉर्जियस वन पीस जो पार्टी वेयर है उसके साथ भी पहना जा सकता है। ये बहुत अच्छा है और कलर जो है बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, ये मेरा अभी का जो है अभी का फेवरेट है ब्रेसलेट्स में। इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है। एक्चुअली मैं ब्रेसलेट्स में उतना ज़्यादा नहीं, मतलब मैं ब्रेसलेट्स उतना ज़्यादा परचेस नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा जो रिस्ट है ना वो बहुत पतला है, तो इसीलिए मैं, आप लोग देखोगे कि जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मैं वॉच भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता। रिस्ट थोड़ा सा मोटा होने से ना अच्छा लगता है, कुछ भी अगर ब्रेसलेट्स पहनो या फिर आप वॉच वगैरह पहनो, तो मेरा कलाई जो है बहुत ही पतला है इसीलिए अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, तो उतना ज़्यादा मैं ब्रेसलेट्स पे खर्चा नहीं करती हूँ। हाँ, चूड़ियाँ मुझे बहुत 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 पसंद है बट मेरे पास उतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बट मैं कलेक्शन करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। मुझे एक सेटअप मुझे याद है कि मुझे ये कलर की कलेक्शन चाहिए अपने ज्वेलरी कलेक्शन में, तो अभी स्टार्ट कर दिया है, तो आगे देखते हैं, शायद शादी के बाद मेरे पास बहुत सारे जो चूड़ियाँ है वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये वाला, ये मेटल की है जो फैशन में बहुत चल रहा है, ये भी बहुत पहले ही खरीदा हुआ था मेरा। ये वन पीस एक स्टाइलिश टॉप के साथ पहनो तो अच्छा लगता है। ये सारी लड़कियों के पास ही होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बहुत बहुत ही कॉमन सा है बट मल्टी यूज के लिए ना बहुत अच्छा है। जो लोग फैशन वगैरह में बहुत दिलचस्पी रखते हो तो एक चीज के एक पेयर के साथ, मतलब एक चूड़ी के सेट के साथ बहुत सारे ड्रेस को पेयर अप कर सकते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप ये सब खरीद सकते हो तो बहुत ड्रेस के साथ ये जाएगा। उसके बाद आता है एक सेम जो कैटेगरी मैंने पहले दिखाया इसमें सिल्वर कलर में, उसमें ही मल्टी कलर का मैंने खरीदा है एक, जो आप किसी भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हो क्योंकि इसमें सारा जो कलर है सारा कलर है। इसमें टर्कोइश है, ब्लू है, पिंक है, मेजेंटा है एंड ग्रीन, सिल्वर, कॉपर, सारा कुछ है। तो ये किसी के ड्रेस के साथ ही जाएगा, थोड़ा अगर पहनना चाहते हो तो। हर वक्त ये नहीं कि चूड़ियाँ जब भी पहनो तो फुल पहना जाता है, आप थोड़ा करके भी पहन सकते हो। इसमें 12 या 13 है शायद, तो अच्छा लगता है। मैं कभी क्रॉप टॉप लहंगा है उसके साथ भी मैं ये पहनती हूँ क्योंकि मेरा क्रॉप टॉप लहंगा जो है बहुत ही सिंपल है, तो नेक्स्ट है मेरा ये। और उसके बाद एक चूड़ी का सेट आता है, ये है मल्टी कलर का चूड़ी, इसमें ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है, तो ये बहुत ही गॉर्जियस लगता है और किसी भी साड़ी के साथ आप पेयर कर सकते हो, मतलब जो थोड़ा हेवी साड़ी है वो, मतलब हमेशा ये नहीं है कि जिस कलर की साड़ी हो उस कलर का ही पेयर करना चाहिए आपको, आप मिक्स एंड मैच करके भी कर सकते हो। बहुत सारा साड़ी है ऐसा कुछ जिसमें आप दूसरा कलर पहन सकते हो, और बहुत ऐसा कुछ साड़ी होता है जिसमें उस कलर की साड़ी के मैचिंग के उस कलर की चूड़ी पहनोगे तो ही अच्छा लगता है। तो वो डिपेंड करता है साड़ी के मटेरियल, कौन सा साड़ी खरीद रहे हो, साड़ी का मटेरियल एंड साड़ी का डिज़ाइन, बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है ये सारा स्टोन का वर्क किया हुआ है, जो ग्रीन आप ग्रीन देख रहे हो, रेड देख रहे हो या फिर गोल्डन कलर में देख रहे हो, सारा ही जो है वो सारा स्टोन के वर्क किया हुआ है। ये मैंने कोलकाता से ली थी, धर्मतला मार्केट से ली थी ये, तब तो अच्छा लगता है।
तो हमेशा जो भी अगर आप मैचिंग 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 खरीदोगे ना, तो वही सर वही ड्रेस के साथ आप पहन पाओगे। या फिर अभी कुछ टाइम में अगर कुछ अलग सा आप खरीदोगे तो एक चीज के साथ आप दो तीन पेयर कर सकते हो, जैसे कि ये सब आप ब्रेसलेट्स हो गया, ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो, या फिर ये चूड़िया हो गया, ये चूड़िया आप किसी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, तो ऐसा है। और नेक्स्ट जो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को वो है एक वाइट इन कलर, ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाइट में थोड़ा बीच में ग्लिटर का वर्क किया हुआ है, और ये जब पहनती हूँ तो सारा पूरा जो हाथ है मेरा ग्लिटर ग्लिटर हो जाता है। तो ये है कांच की चूड़िया, और ये मैंने एक मेरा वाइट सूट था, वाइट सूट है एक्चुअली, था नहीं वाइट सूट है, उसके साथ मैंने ये खरीदा था। और ये आप दूसरा कुछ चीज के साथ भी पेयर अप कर सकते हो, तो ऐसा चीज खरीदोगे ना जो दो तीन चीज के साथ आप पेयर अप कर सकते हो, जैसे कि मेरा एक व्हाइट कलर का साड़ी है, मतलब क्रीम एंड टर्कोइश कलर की साड़ी है, उस साड़ी के साथ भी मैं ये पहन सकती हूँ। या पे अगर मैं कुछ टर्कोइश कलर की बैंगल्स रख देती हूँ दोनों स्टार्टिंग में एंड फिनिशिंग में, तो फिर ये मैच हो जाएगा। या फिर कभी अगर मैं दूसरा कोई व्हाइट कलर की कुछ खरीदती हूँ तो भी ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट गया ये, और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे आए हैं सारा चीज मेरे पास वैसे ही मैं रखूँ। एक पहले एक प्लास्टिक में रखती हूँ, उसके बाद ये स्पॉन्ज में जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कांच की है तो टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करती हूँ कि सावधानी से रखूँ और अच्छे से रखूँ, ताकि ये मैं बहुत दिनों तक यूज कर पाऊँ। एक ही चीज एक बार खरीद लिया, दो तीन बार पहन लिया, उसके बाद वो यूज नहीं कर पाऊँ तो मतलब पैसा वेस्ट है मेरे लिए, तो इसलिए मैं अच्छे से रखती हूँ सारा चीज। उसके बाद लिया है मैंने ये एक कलर की चूड़ी जो पेस्टल ग्रीन कलर में है, और एक बहुत ही प्यारा सा कलर है, और उसके ऊपर गोल्डन का डॉट डॉट करके ग्लिटर का काम किया हुआ है पूरा चूड़ी में। ये मैं खरीदा था एक साड़ी के लिए, जो साड़ी आप लोग अगर मेरे साड़ी कलेक्शन देखे होंगे तो वहां पे एक पेस्टल ग्रीन कलर की साड़ी है, वो साड़ी जो बहुत स्टाइलिश है पेस्टल ग्रीन कलर में है, उसमें स्टोन वर्क दिया हुआ है, उसी कलर में स्टोन वर्क दिया हुआ है, थोड़ा बहुत व्हाइट कलर में दिया हुआ है। तो उस साड़ी में मुझे चूड़ी पहननी थी, बट वो साड़ी में अगर मैं प्योर ये चूड़ी 24 या 25 खरीद लेती तो फिर अच्छा नहीं लगा, मुझे चूड़ी भी पहनना था और मुझे स्टाइलिश भी चाहिए था, तो इसीलिए मैं बहुत पजल हो गई थी उस टाइम में। फिर मैं शॉपकीपर के पास गई और मैं बोली, मैं दिखाया मैंने अपना साड़ी जो है, मैं दिखाया शॉपकीपर को, और मुझे मैं बोल रही थी कि मुझे इस साड़ी से मैचिंग करके दीजिए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैचिंग करके दिया और मैं ज्यादा हैप्पी हो गई थी कि हाँ मुझे चूड़िया भी मिल गया है और वो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो ये और एक पेयर है जो ये बहुत सिल्वर कलर में है एंड मेटल बॉडी है इसका, तो बहुत ही अच्छा रिच लुक देता है ये, तो ये अलग से भी पहन सकते हो। ये एक अलग सेट हो गया और ये एक अलग सेट हो गया, तो उन्होंने मुझे ये जो है मैचिंग करके दिया था, तो मैं दिखाती हूँ। ये मैं अलग अलग भी पहन सकती हूँ या फिर एक साथ भी, तो कुछ ऐसा कर दिया था उन्होंने। तो वो साड़ी के साथ एकदम परफेक्टली बैठ रहा था ये चीज, तो पहन के दिखाती हूँ, कुछ ऐसा दिखता था और उस साड़ी के साथ एकदम अच्छे से गया। तो अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ पेस्टल ग्रीन कलर का अलग से पहनना वो भी पहन सकते हो, या फिर सिल्वर के साथ पहनना वो भी पहन सकते हो। अगर सिल्वर किसी और चीज के साथ आप पेयर करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले ये व्हाइट कलर की चूड़िया दिखाया, उसके साथ भी अगर पेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कौन सा ड्रेस पहनते हो, ड्रेस में कौन सा वर्क है उस हिसाब से डिपेंड करेगा आपका। तो ये गया मेरा नेक्स्ट, इसमें दो आ गया। उसके बाद ये और एक मेरा फेवरेट है,
ये भी मल्टी कलर की है और इसमें जो है धागा जो होता है धागा से धागा का काम किया हुआ है और ऊपर से डॉट 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 है और बीच में है स्टोन वर्क का कुछ एक प्योर स्टोन वर्क का एक चूड़ी और एक मेटल की चूड़ी मैं दिखाती हूँ कि जैसे कि ये ग्रीन पिंक एंड जो रेड पिंकिश रेड है ये धागा का है मतलब चूड़ी के ऊपर धागा का काम किया हुआ है और उसके ऊपर डॉट डॉट कुछ अलग से दिया हुआ है ये और इसके साथ बीच में है कुछ ऐसा सिंपल सा स्टोन वर्क पूरा चूड़ी में और इसमें एक गोल्डन कलर का सिंपल इसमें कुछ नहीं है ऐसा ही है और फिर से मल्टी कलर में है टर्कवाइश येलो ब्लू एंड ऑरेंज कलर में धागा काम किया हुआ चूड़ी है। तो ये पेयर ये जो चूड़ी है ये भी आप बहुत सारे चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो बहुत ही गॉर्जियस लगता है ये पहनने में साड़ी के साथ भी कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पहनने के बाद कितना गॉर्जियस लग रहा है। गया नेक्स्ट। हाँ इसका दाम मैं बोल सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक में ही मुझे मिला था ये चूड़ी और यहाँ पे लिखा हुआ है 225 तो इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये 225 है। ये सिलीगुड़ी से लिया है मैंने ज़्यादातर की जो ज्वेलरी है वो सिलीगुड़ी से है सिलीगुड़ी से ही है। यहाँ पे मेरा और एक सेट आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है रेड एंड गोल्डन इन कलर तो ये आप सिर्फ रेड के साथ पहन सकते हो या फिर आप गोल्डन के साथ भी पहन सकते हो। इसको मैं पेयर करती हूँ एक और एक जो सेट है ये बहुत गॉर्जियस है इसके साथ ये गोल्डन कलर में दिया हुआ है और बीच का जो है पूरा स्टोन का वर्क किया हुआ है बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो मैं मैच करके पहनती हूँ ये मैंने कोलकाता से खरीदी थी तो ये आप अलग से भी पहन सकते हो एकदम अलग से सिंपली ये या फिर आप सिर्फ ये भी पहन सकते हो या किसी और चीज़ के साथ मैं पेयर करके दिखाती हूँ आपको। अगर आप ऐसे भी पेयर करना चाहते हो तो ऐसे भी पेयर कर सकते हो अगर वाइट एंड गोल्डन में कोई साड़ी आप पहन रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो या फिर बीच में आप कुछ ऐसे देंगे तो फिर एक अलग सा सेट बन जाएगा। तो ऐसा ही है कुछ कुछ चीज़ आप खरीद के रख दोगे तो फिर बहुत सारा चीज़ों से आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। तो मैं ये जो है ये मैं पहनती हूँ कुछ ऐसे मैं रफली दिखाती हूँ कुछ ऐसे पहनती हूँ या फिर आप ऐसे भी पहन सकते हो ऐसे भी एक सेट बना के आप पहन सकते हो या फिर ऐसे तो जैसी आपकी मर्जी वैसे आप पहन सकते हो। तो पूरा एक सेट अलग सेट बन गया ये तीन अगर ये चार अगर आप बीच में डाल दोगे अलग से सेट बन जाएगा ये अगर आप खोल दोगे सिर्फ ये रेड एंड गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पहनना है वो भी पहन सकते हो या फिर सिर्फ आपके पास रेड कलर की साड़ी है तो सिर्फ रेड रखो या और ये दो बैंगल जोड़ दो तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना बहुत ही गॉर्जियस एंड बहुत ही प्रीटी लग रहा है मुझे। फिर आता है ये दो बैंगल जिसके लिए ये वीडियो शूट हो रहा है और जिसके वजह से आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे। तो इसका प्राइस मैं पहले बोल देती हूँ ये दोनों का है 250 ये दोनों का है 250 क्योंकि रिसेंटली परचेस किया है तो मुझे याद है ये दोनों सेम है। इस सब कंगन में आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा पेयर आप बना सकते हो। जब भी मुझे साउथ इंडियन लुक बहुत अच्छा लगता है तो साउथ इंडियन के लिए मेरा पेयर अप हो गया है इस चीज़ के साथ। तो कोई भी चूड़ियाँ खरीदती हूँ तो फिर मैं ये पहन सकती हूँ जैसे कि ये फिर से एक पेयर कर दिया मैंने और अभी जो रेड कलर में दिखाया आप लोगों को एक और पेयर बन गया। बीच में एक और डालना चाहते हो तो गिर जा रहा है मेरे हाथ से बीच में एक और अगर डालना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो बहुत ही प्रीटी लग रहा है ना।
ये जो है ये मोती का वर्क किया हुआ है, वाइट एंड गोल्डन इन कलर। ये चार मैंने लिया है मेरे एंगेजमेंट दिन के लिए पहनने के लिए। तो नेक्स्ट जो कलर की चूड़ी है मेरे पास वो है ये पिंक, पिंक इन कलर में है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही गॉर्जियस एक कलर है, कुछ इस तरह से पेयर करके, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि मुझे साउथ इंडियन लुक क्रिएट करना था। तो मुझे साउथ इंडियन लोग जो है वो इस टाइप का चीज जो है बहुत ही पहनते हैं, तो इसीलिए मेरा कंसेप्ट जो था वो क्लियर था, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, तो इसलिए मैंने ऐसे खरीदा ये चीज। और साड़ी भी जो है वो भी मैं साउथ इंडियन साड़ी पहनी थी। तो बहुत 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 ही अच्छा लगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कलर पहनना चाहते हो तो वो भी पहन सकते हो, सिंपली दिस। और किसी दूसरे चीज के साथ भी अगर आप पेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि जो मैंने गोल्डन कलर का चूड़ी दिखाया आपको, इसके साथ भी आप पेयर कर सकते हो, तो फिर एक अलग सा एक लुक दे देगा। और किसी दूसरा जो साड़ी है आप उसके साथ भी पहन सकते हो। ये देखिए एक और अलग सा पेयर बन गया ना। आप एक शिफॉन साड़ी अगर पहन रहे हो उसके साथ भी ये पहन सकते हो। तो इसी के साथ जो है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। एंड सो यही है, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ चीज़ खरीदना जिसके साथ मैं बहुत सारा चीज़ जो है पेयर कर सकती हूँ और किसी भी ड्रेस के साथ मैं मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। तो फिर क्या है, मुझे इतना ज़्यादा चीज़ खरीदना नहीं पड़ेगा या और मुझे सारा जो ड्रेस है उसके साथ भी मुझे मेरा ज्वेलरी जो है मिल जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट मार्केटिंग अगर करोगे तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही था मेरा कुछ बैंगल्स का कलेक्शन। तो आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। और कमेंट करके बताना है कि कौन सा पेयर जो है आपको ज्यादा पसंद आया, तो और ऐसे पेयर आप करोगे या नहीं। अगर आपके पास और कुछ भी आइडिया है, आप करते हो घर पे, तो मुझे भी और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। तो मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।